Please subscribe this channel and click on bell icon for all video notification. You will get all video notifications and ready to watch. नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मीन राशि का जो शनि मार्गी होने जा रहा है 29 सितंबर को, उसके ऊपर कैलकुलेशन यूट्यूब के माध्यम से लेके आए हैं। तो गुरु ऑलरेडी आपका मार्गी हो चुका है। गुरु जो है वो ऑलरेडी आपका 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो चुका था, और गुरु जो है वो आपका 10th हाउस में मार्गी हो गया है। शनि जो है आपका 29th ऑफ सितंबर 2020 को आपका लाभ भाव में मार्गी होने जा रहा है। और शनि इस समय मीन राशि का मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है। मकर राशि काल पुरुष की राशि अगर देखा जाए मीन राशि से, तो वो आपकी बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। शनि की प्लेसमेंट आपकी बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि शनि 30 साल बाद आपका लाभ भाव में आया है, और लाभ भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो हमेशा लाभ ही देता है। और शनि का अब तक का जो सफ़र रहा है वो आपके लिए थोड़ा कठिन रास्ता भी था, उसमें अप एंड डाउन्स भी थे, लेकिन शनि ने जो आपका ये 6 महीने में प्लेटफॉर्म बनाया है वो आगे चल के आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में कन्वर्ट करने वाला है, और आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है। देखिए, शनि आपका लाभ भाव में इस समय संचार करेगा, मार्गी हो जाएगा 29th सितंबर को, और 23rd सितंबर को राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और मीन राशि का जो है शनि लाभ भाव में आपको बहुत ही अच्छा सुंदर फल देने जा रहा है, क्योंकि शनि का मूवमेंट टूवर्ड्स श्रवण नक्षत्र की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2021 में शनि श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। और चंद्रमा की जो आपकी राशि मानी जाती है वो आपकी 5th हाउस की राशि मानी जाती है, यानी कि आपके बॉडी की डिसीजन पावर की राशि मानी जाती है। और शनि ऑलरेडी लाभ भाव में चल रहा है, और उसी राशि को सातवीं दृष्टि से, पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है। तो शनि का ये जो मार्गी होना आपके लिए क्या परिवर्तन लेके आ रहा है, तो इसकी दृष्टि के ऊपर बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि जो आपकी मीन राशि पर, यानी कि आपके स्वयं के घर 1st हाउस में पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है, चंद्र लग्न पर पड़ रही है, आपके लिए एक शुभ साइन दे रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। और जो लोग फॉरेन में जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दूसरी राशि आपकी विदेश की राशि कुंभ राशि 12th हाउस की राशि मानी जाती है, शनि जो इस समय मकर राशि में चल रहा है लाभ भाव में, वो अपनी कुंभ राशि से अपने 12वें भाव से चल रहा है, यानी कि आप जो है फॉरेन में बैठकर लाभ अर्जित धीरे धीरे करने वाले हों। मीन राशि वालों के लिए ये शनि का जो आगे मार्गी होना वो आपके जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, क्योंकि शनि की दो राशियां जो कि स्वयं की राशियां वो एक्टिवेट हो जाएंगी। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जब आपकी मीन राशि पर पड़ेगी तो आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी जॉब प्रमोशन में वृद्धि होगी, बॉस आपकी जो प्रॉब्लम्स को सुनेगा। दूसरी बात यह है कि सीनियर के साथ अथॉरिटी लेवल के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो आपकी अच्छी बन जाएगी, सीनियर्स आपके काम से परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे, क्योंकि शनि लाभ भाव में, और आपके इंक्रीमेंट के और आपको जो रुका हुआ धन है वो भी इस समय शनि देने जा रहा है। तो जो टफ टाइम था आपका, अप एंड डाउन्स हो रहा था कि आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, वो शनि अब आपको इस समय आपको एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और जब भी शनि समझ लो कि आपके ऊपर मंथन कर रहा होता है, तो आपको बिल्कुल कूल रहना होता है और पेशेंस रखना होता है, क्योंकि शनि आपके पेशेंस का टेस्ट करता है। और कई बार हम अग्रेसिव होके बॉडी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर प्लैनेट जो है वो आपको उसका बैड इफ़ेक्ट देने शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शनि की साड़सती हो या शनि की दशा हो, तो उसमें बहुत ही पेशेंस रख के काम करना चाहिए। आपकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपकी 5th हाउस पर पड़ रही है। 5th हाउस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का है, आपके डिसीजन पावर का है, आपके बच्चों का है, आपकी खुद की एजुकेशन का है। देखिए,
जब भी शनि लाभ भाव में फिफ्थ हाउस को सीधी दृष्टि से देख रहा होता है, तब क्या होता है कि सातवीं दृष्टि से जो आपका फिफ्थ हाउस है वो आपकी एजुकेशन का है, उससे शनि आपको धन अर्जित देता है। शनि इस समय हार्ड वर्क आपसे बहुत कराएगा, लेकिन प्लस में ये भी बात आ रही है कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने वाला है। और शनि की एक खासियत होती है कि पहले हार्ड वर्क कराता है, फिर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। तो डिसीजंस आपके बहुत इस समय पॉजिटिव रहेंगे, जो आपने वर्क किया है पिछले 6 महीने में उसका शनि आपको प्रॉफिट देने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों की कैरियर के प्रति भी आपका काफ़ी ध्यान जाएगा, और मदर की हेल्थ पे भी शनि का इस समय पूर्ण दृष्टि होने से आप मदर की हेल्थ पे भी काफ़ी टेंशन लोगे। और आप अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो शनि आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटियों में एडमिशन भी करवाएगा, क्योंकि लाभ भाव में शनि उच्च विद्या की प्राप्ति भी कराता है। शनि की जो दशमी दृष्टि है वो आपकी तुला राशि पर डायरेक्ट पड़ रही है। तुला राशि पर शनि की जब दृष्टि जाएगी तो शनि आपका जो है शुक्र की राशि, जो 8th हाउस की राशि है, आपको ऑकल्ट स्टडीज़ में फ़ायदा करेगा। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बढ़ेगा, अचानक से आपको आपका मन करेगा कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ूं, देखूं कि क्या इस साइंस में पावर है। ऑकल्ट यानी कि रिसर्च में, जो कि बिजनेस एनालिस्ट हैं या दूसरे रिसर्च के काम में साइंटिस्ट हैं, मीन राशि वाले PhD होल्डर हैं, जो कि डॉक्टरेट जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए शनि इस समय बहुत बढ़िया फल देने वाला है, क्योंकि वो 8th हाउस को देख रहा है, जो कि तुला राशि को 8th हाउस जो रिसर्च ऑफ माइंड का होता है, साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी इन्वेंशंस लेके आ रहा है शनि। जो मीन राशि वाले साइंटिस्ट हैं उनके लिए शनि यहाँ पर बहुत बड़ा एक इन्वेंशन लेके आ रहा है। शनि आपकी एजुकेशन को, रिसर्च माइंड को बढ़ाएगा, जो आप रिसर्च करोगे उसमें शनि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने जा रहा है। और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी रिकॉग्निशंस और अवार्ड भी शनि यहाँ पर दे सकता है। और दूसरी बात यह कि राहु केतु का मूवमेंट भी साथ में हो रहा है। राहु आपका 3रे भाव में और केतु आपका 9th हाउस में चल रहा है, तो यहाँ पर भी शनि के ऊपर राहु की दृष्टि होने से तो आपका नवम पंचम का योग बहुत ही सुंदर बनने जा रहा है। और बृहस्पति भी ऑलरेडी मार्गी हो चुका है, तो शनि का ये जो परिवर्तन हुआ है आपके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश से आपकी इनकम और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। मीन राशि वालों को आपकी यात्राएं शनि यहाँ कराएगा, धर्म की यात्राओं में जाओगे, धर्म की यात्रा में आपका मन लगेगा, फैमिली के साथ आपकी ट्यूनिंग बनेगी। तो शनि का ये जो मूवमेंट आ रहा है आपकी मीन राशि वालों के लिए लाभ भाव में होने से आपको बड़े भाई से भी लाभ मिलेगा और बड़े भाई की प्रमोशंस भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो शनि का मूवमेंट मीन राशि वालों के लिए नो डाउट इट्स ए वेरी गुड पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आने जा रहा है। शनि को मनाने के लिए, शनि को और प्रॉफिट एग्जीक्यूट करने के लिए आप शनि भगवान की सेवा कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, और काली चीज़ों का दान शनिवार को कीजिए, और किसी गरीब की सहायता कीजिए शनिवार को, तो निश्चित तौर पर शनि आपको बहुत मालामाल करने वाला है। और जो शनि का जो अगला श्रवण नक्षत्र है उसमें तो आप बहुत ज़बरदस्त आपको ये लाभ देने जा रहा है। तो ये वीडियो आपको YouTube के माध्यम से हमने आज मीन राशि वालों की बताई, तो आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना कमेंट डालेंगे और शेयर भी करेंगे वीडियो। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।